तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सारे का सारे बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फाइनली, जैसा कि मैंने आप सभी लोग को कहा था कि अब हम हमारे चैनल पर वर्डप्रेस की बिगिनर टू एडवांस सीरीज स्टार्ट करने वाला है। पार्ट वन मैंने आप सभी लोग को ऑलरेडी शेयर कर दिया, जिसमें मैंने बेस्ट होस्टिंग एंड डोमेन के बारे में बताया था। इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा वर्डप्रेस वगैरह आपको आपको मैनेज करना है, एक साइट किस तरीके से बिल्ड करनी है, एंड जो साइट आज हम बिल्ड करेंगे उसी पर लाइव गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी लेकर मैं आप सभी लोग को जो है इसी एंटायर सीरीज में बताऊंगा। तो पूरी की पूरी सीरीज जरूर फॉलो करते रहना। यानी कि लास्ट जो एडसेंस अप्रूवल वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 5 स्टेप्स आप सभी लोग को बताए थे। उन्हीं 5 स्टेप्स को यूज करते हुए आज इस साइट को मैं लाइव बिल्ड करूंगा, एंड उसके साथ साथ इसी साइट पर आने वाले कुछ दिनों पर मैं अप्रूवल भी लेकर बताऊंगा। तो पूरी की पूरी सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहना, एंड सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस टाइम टाइम इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, गूगल एडसेंस से रिलेटेड हो, ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड हो। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, मैं आ गया हूँ अपने ब्लू होस्ट के होस्टिंग वाले अकाउंट में। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी लोग को इसी होस्टिंग के बारे में प्रेफर किया था, यानी कि इसी के बारे में बताया था। एंड अभी के टाइम पर ब्लू होस्ट पर और भी तगड़ा वाला ऑफर चल रहा है। यहाँ से अगर आप सभी लोग होस्टिंग लेते हो तो होस्टिंग के साथ साथ आप सभी लोग को फ्री में डोमेन भी मिल जाएगा, जो भी डोमेन आप लेना चाहो एक्सटेंशन ले सकते हो। फ्री में SEO टूल्स भी मिलेंगे, SSL सर्टिफिकेट वगैरह, एंड सारी चीजें आपको मतलब जो है बेस्ट एंड चीप होस्टिंग के साथ मिल जाएगी। एंड एक चीज मैं आप सभी लोग को और बताऊं, wordpress.org के ऑफिशियल साइट पर जाते हो, होस्टिंग वाले सेक्शन पर अगर आप जाओगे तो वर्डप्रेस खुद भी ब्लू होस्ट को जो है सजेस्ट करता है, एंड ब्लू होस्ट पर 2 मिलियन से भी ज्यादा जो है वेबसाइट होस्टेड है। तो ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका डेटा भी 100% सेफ रहता है वेबसाइट का। तो यहां से आप होस्टिंग ले सकते हो, एंड अभी यहां पर जो है बर्थडे सेल भी चल रही है, तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट रेट पर जो है मिल जाएगा। तो यार जैसे ही आप सभी लोग होस्टिंग वगैरह लोगे, डोमेन वगैरह लोगे, उसके बाद यार आप सभी लोग को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप माई साइट के सेक्शन पर जाकर भी कर सकते हो। बाकी आप एडवांस में आप सभी लोग को जाना है, एंड एडवांस में जैसे ही आप सभी लोग जाओगे, यहाँ पर सी पैनल के अंदर आप सभी लोग को जो है ऐप इंस्टॉलर मिल जाएगा, एंड उस ऐप इंस्टॉलर पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। हम यहाँ पर वर्डप्रेस यूज करना चाहते हैं तो इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है, एंड जैसे ही क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट ये आपका जो भी डोमेन नेम ऐड होगा वो सेलेक्ट कर लेगा। तो हमने यहाँ पर हमारा डोमेन नेम सेलेक्ट कर दिया, हमने SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर रखा है, तो वो भी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पर अपना ब्लॉग नेम डालना है, एंड ये सारी चीजें फिल करनी है, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, तो वो चीज हम आगे जाके भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, एंड उसके बाद आप सभी लोग डायरेक्टली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। चलिए ये काम मैं सारा कंप्लीट करता हूँ। सभी लोग देख सकते हो कि अभी हमारी साइट पर वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, एंड ये कुछ जो है मिनट्स का टाइम लेता है, तो उतना सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आपकी साइट पर वर्डप्रेस जैसा कि आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप अपने डोमेन को ओपन करोगे, आपकी जो साइट होगी वो साइट यहाँ पर देख सकते हो ओपन हो चुकी है। एकदम बेसिक सा लेआउट है जो कि एकदम सही नहीं लग रहा है। अभी पूरा ट्यूटोरियल सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से फुल्ली प्रोफेशनल बनानी है। एंड अगर आपको अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करना है तो नीचे वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर जाओगे। बाकी आप पासवर्ड वगैरह डालकर भी लॉगिन कर सकते हो जब हमने वो क्रिएट किए थे। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप अपनी साइट के अंदर आओगे, यहाँ पर जो बेसिक चीजें होती है वही हुई होगी, तो हमें सारी एडवांस चीजें करनी पड़ेगी। एंड जितने भी बेकार से प्लगइन्स वगैरह जो आर्टिकल्स वगैरह बाय डिफॉल्ट होते हैं उन सबको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी साइट पर कचरा रोकेंगे उतना ही ज्यादा जो है आपकी साइट की स्पीड वगैरह जो कम होगी। तो हमें अभी यहाँ से कुछ भी प्लगइन्स वगैरह नहीं चाहिए। कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज करना है वो सारी चीजें मैं आप सभी लोग को बताऊंगा। तो सब प्लगइन को सेलेक्ट करना है, एंड सबसे पहले आप सभी लोग को डीएक्टिवेट कर देना है सारे के सारे प्लगइन्स को, एंड उसके बाद आप सभी लोग को यहाँ से इन सारे प्लगइन्स को डिलीट कर देना है सेलेक्ट करके। जैसे करोगे ये सारे के सारे प्लगइन्स हट जाएंगे, एंड इसी तरीके से आपको सारी चीजें बेकार सी चीजें यहाँ से जो है हटा देनी है। इसी तरीके से पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का आप सभी लोग को एक पोस्ट मिलेगा, तो इसको भी आप सभी लोग को मूव टू ट्रैश करना है एंड डिलीट कर देना है। तो ये बेसिक सा काम सबसे पहले आप सभी लोग को करना है। उसके बाद सेटिंग के सेक्शन पर आप सभी लोग को आना है। सेटिंग के सेक्शन पर जैसा कि मैंने कहा था कि आगे जाकर आप अपनी साइट वगैरह का नेम चेंज कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको अपनी साइट का टाइटल देना है। जैसे अगर मैं आप सभी लोग को बताऊं, गूगल पर मैंने techbhavishit.in सर्च किया, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे साइट का टाइटल आ रहा है techbhavishit.in प्रोवाइड लेजिट कंटेंट। तो इस टाइप से आपको अपनी साइट का टाइटल देना है। तो डिस्क्रिप्शन अभी मैंने छोटा सा डाल दिया है प्रोवाइड गेमिंग कंटेंट,
क्योंकि जब मैं SEO वाला वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं आप सभी लोग को साइट डिटेल बताऊंगा, साइट का एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको सेम रहने देना है। उसके बाद आप सभी लोग को डायरेक्टली यहाँ पर परमालिंक वाले सेक्शन पर आना है एंड यहाँ से पोस्ट वाला आप सभी लोग को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी आप आर्टिकल डालो तो डायरेक्टली जो आप पोस्ट का मतलब नेम हो वही डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए। एंड ये काम करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। अब जो है हमारा बेसिक काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे ही आप अपीयरेंस में थीम वाले सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर ये बेकार से थीम अवेलेबल है। तो इस थीम को और इसके अलावा जो दूसरी बहुत सारी थीम्स है, इन सारी थीम्स को आप सभी लोग को जो है डिलीट कर देना है। बेकार, मैंने कहा था कुछ भी कचरा आप सभी लोग को नहीं रखना है, तो यहाँ से हम इन सारी थीम्स को जो है डिलीट कर देते हैं। एंड इसके बाद सबसे बेस्ट सबसे तगड़ी जो थीम है वही आप सभी लोग को रखनी है, एंड वो थीम का नाम है जनरेट प्रेस, जो कि अल्ट्रा फास्ट है, एडसेंस के अप्रूवल में भी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए वो थीम भी जो है हम इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे ही ये वाली थीम डिलीट होती है। नेक्स्ट आपको एड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही एड न्यू के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप सभी लोग को जनरेट प्रेस जो है थीम सर्च करना है। जैसे जनरेट लिखोगे ऑटोमेटिकली जनरेट प्रेस आ जाएगी। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है तो इंस्टॉल हो जाएगी, एंड इंस्टॉल होते ही एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करना है तो ये जो थीम है हमारी साइट पर जो है अप्लाई हो जाएगी। जस्ट रिफ्रेश करके मैं आप सभी लोग को बताता हूँ, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है, थीम हमारी अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको भाई जो है प्लगइन्स वगैरह ऐड करना है। तो कौन कौन से प्लगइन्स ऐड करना है, जस्ट बेसिक बेसिक प्लगइन मैं आप सभी लोग को यहाँ पर जो है बता देता हूँ। सबसे पहले SEO का प्लगइन आप सभी लोग को इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है योस्ट SEO। मैं खुद पर्सनली योस्ट ही यूज़ करता हूँ, तो मैं योस्ट ही यूज़ करूँगा, बाकी अगर आप रैंक मैथ यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं योस्ट SEO को इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद आप सभी लोग को गूगल का एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जिससे कि आप अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल वगैरह में इजीली सबमिट कर पाओगे, जिसका नाम है गूगल साइट गिड। तो इसको आप सभी लोग को इंस्टॉल कर देना है। इसके अलावा एक आप सभी लोग को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो है यहाँ पर जो है ऐड कर लेना है, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे तो ये प्लगइन आपको हेल्प करेगा। बाकी और भी आप सभी लोग अपने मुताबिक जो भी आपका नीच है इसके अकॉर्डिंग जो है प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर वर्डप्रेस का भी सिंपल सा सिस्टम है, यहाँ पर पोस्ट वाला सेक्शन है जिसमें आप सभी लोग आर्टिकल वगैरह डाल सकते हो। मीडिया के सेक्शन में जो भी आप अपलोड करोगे इमेजेस वगैरह डेटा वगैरह वो सारा कुछ मीडिया के सेक्शन में आएगा। पेजेस के सेक्शन पे आपको पेज बनाना है, तो चलिए हम जो है हमारे साइट के लिए पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। बाई डिफॉल्ट जो हमें पेज देखने को मिलता है उन्हें हमें ट्रेस कर देना है, एंड हमें नए पेजेस बनाने हैं। मेनली 3-4 पेजेस हमको बनाने हैं अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर के। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे ही आप सभी लोग गूगल पर जाओगे यहाँ पर आप सभी लोग को टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर फ्री, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। ये जो वेबसाइट है .info वाली, यहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी इजीली जनरेट कर सकते हो। सेम तरीके से डिस्क्लेमर जनरेटर आपको लिखना है तो यहाँ पर ये मेन साइट आ जाएगी, और इसी साइट से आप जो है इजीली जनरेट वगैरह कर सकते हो। तो चलिए ये काम भी मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्लेमर का पेज मैंने जनरेट कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट कर दिया। जस्ट कॉपी टू क्लिकबोर्ड के सेक्शन पर क्लिक करना है, एड न्यू पेज के सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप सभी लोग को एज इट इज उन जो पेजेस हमने जनरेट किए उनको पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। चीज को आपको क्रॉस करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, तो पूरा का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा। एंड यही प्राइवेसी पॉलिसी आप सभी लोग को कॉपी करके टाइटल में डाल देनी है, एंड ये काम करते ही आप सभी लोग को पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है, तो ये जो पेज होगा पब्लिश हो जाएगा। इसी तरीके से हमको अब दूसरा वाला पेज डालना है, तो यहाँ पर डिस्क्लेमर का पेज हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डायरेक्टली जाना है वापस पेजेस के सेक्शन पर, ऐड न्यू के पेजेस के सेक्शन पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करते ही यहाँ पर सेम आपको जो है कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, एंड डिस्क्लेमर को कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरीके से दो पेज क्रिएट हो गया। अब अबाउट का पेज बनाना है। अबाउट के पेज में आपको अपनी वेबसाइट के बारे में अपने बारे में लिखना है, वो चीज़ आप सभी लोग को करनी है बेसिक सी, तो चलिए वो कर लेता हूँ। और उसके बाद आप सभी लोग को जो कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, जिसमें कि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है क्रिएट करना है, तो यहाँ पर प्लगइन्स के सेक्शन पर जाते हैं। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था उस पेज को हम जो है मतलब प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। जिसे एक्टिवेट करेंगे सेटिंग के सेक्शन पर हम सभी लोग को जाना है, या फिर कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पर जा सकते हो। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट एक जो है हमें शॉर्ट कोड देखने को मिलता है, तो इसी शॉर्ट कोड को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ईजिली आपका जो पेज होगा वो पेज आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो शॉर्ट कोड मिलेगा उसको अप्लाई करने के लिए आपको शॉर्ट कोड का एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सर्च करना है, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है, एंड एक्टिवेट कर देना है, तो ये जो प्लगइन होगा एक्टिवेट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप इजीली जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड कर पाओगे। दोबारा चलते हैं पेजेस के सेक्शन पर, एड न्यू के सेक्शन पर, एंड इधर से हम जो है इसका जो शॉर्ट कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पर करना कुछ नहीं है, प्लस के सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप सभी लोग को शॉर्ट कोड जो है सर्च करना है।
एंड ये जो शॉर्ट कोड मैंने वहां से कॉपी किया था वो डालना है, एंड यहाँ पर कॉन्टेक्ट आप सभी लोग को टाइप करना है। तो ये काम करते ही पब्लिश करना है, तो आपका जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा, कॉन्टेक्ट का पेज होगा, वो बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको व्यू करके बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टेक्ट का हमारा पूरा का पूरा पेज सक्सेसफुली बन चुका है। तो इसी तरीके से अब जो हमारा लास्ट पेज बचा है अबाउट का, वो अबाउट का पेज भी आप सभी लोग को क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अबाउट लिखा, अबाउट लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपनी साइड के बारे में जस्ट जो है मेंशन कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, और डिटेल में देना चाहते हो दे सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर जो है छोटा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है, सेम तरीके से आप भी कर सकते हो। तो चारों पेजेस हमारे क्रिएट हो चुके, जो भी बेसिक काम था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा किस तरीके से पूरी साइड को कस्टमाइज करना है, आर्टिकल वगैरह किस तरीके से लिखने हैं, कहाँ से टॉपिक्स वगैरह फाइंड करने हैं, उसके बाद एडसेंस में किस तरीके से साइड को अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें जो है आने वाले वीडियोज में आप सभी लोग को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।